पता होगा, ईद का त्यौहार जानकारी है आप लोगों को। आप सभी को सबसे पहले मुझे ईद की त्यौहार की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज हम ये एक मिनट की बात है, छोटी सी बात, सोच की बात है। देखिए, जिस परमात्मा ने जिस इंसान को बनाया है, उस इंसान की जातियां और धर्म परमात्मा ने कभी नहीं, ठीक है। अगर परमात्मा अगर जातियां और धर्म बनाता तो परमात्मा के चेहरे भी अलग बनाते, ये कौन चमड़ी भी अलग होती कि राजपूत की चमड़ी ऐसे रंग की होगी, कुम्हार की चमड़ी ऐसे रंग की होगी, राजपूत का खून ऐसे रंग का होगा, जाट का खून ऐसे रंग का होगा, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो ये जाति और ये धर्म ये सब यहाँ इंसान के द्वारा बनाए हुए हैं, और इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें कुछ ही देर चलती हैं, ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो आजकल जो राजनीतिक अपने पेट के लिए जनता के अंदर भ्रामक फैला रहे हैं, इन भ्रांतियों में हमें नहीं आना चाहिए, हमें मिलजुल के सभी को साथ में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मित्रों मैं बात करता हूँ आपको, आप सभी के भविष्य की कंपटीशन के क्षेत्र में। तो आज कोचिंग सेंटर इतने खुल रहे हैं जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर आप जाओ कि सर हम 12 महीने में क्या प्रत्येक कोचिंग सेंटर की गिनती कर सकते हैं क्या? यहाँ से निकल जाए आज से, आप नहीं कर सकते 12 महीने में इतने कोचिंग सेंटर। तो क्या फिर बात ये उठती है कि इतने कोचिंग सेंटर खुले हैं वो सभी क्या कि बच्चों की भलाई के लिए खुले हैं? कोचिंग सेंटर आज का है वो बन गया है व्यवसाय। क्या बन गया है? व्यवसाय बन गया है, खुद का पेट पालने का एक जरिया बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप यहाँ आए, आपने देखा गुरु जी के 50 बच्चे आए, 20 तो अपने आएंगे, अपन बोल रहे थे गुरु जी को इंग्लिश आ रही है, अपने को जीके थोड़ा बहुत आता है। तो ऐसे करके एक दूसरे को देखा सीखा अपने पेट भरने के लिए, बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए आज के दौर में ये शिक्षा है ये क्या बन गया है? व्यवसाय, ठीक है। और जहाँ तक मैं खुद भी अभी तक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट लाइफ में जी के आया हूँ, तो मैंने ये अपने आप में एक्सपेरिमेंट किया है कि स्टूडेंट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो एक वास्तव में अबोध बालक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अबोध बालक। मैं जानता हूँ कि आप एक वर्ष के बच्चे को, एक वर्ष के बच्चे को आप सांप या बिच्छू दे दो हाथ में, वो ले लेगा, लेगा या नहीं लेगा? वो ले लेगा। क्या मुझे आप बताना कि आप या सांप या बिच्छू हाथ में ले सकते हो क्या? ठीक है ना। तो यही बात स्टूडेंट के साथ है, आप उस एक वर्ष के अबोध बच्चे की तरह। आज के कोचिंग सेंटरों का हाल क्या है? या तो वो नाम लिखते हैं बड़े बड़े अपनी कोचिंग सेंटर, ठीक है, या फिर अपने वादे करेंगे बड़े बड़े। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब एक बाजार के अंदर 100 कोचिंग सेंटर है तो किसी के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं, किसी के वादों से हमें कोई लेना देना नहीं। अगला डेमो दे रहा है 2-3 साल वो क्लास लो और आपको क्लास में क्या लगे। रही बात दूसरी अपनी खुद की, तो खुद कभी ये ध्यान रखना कि कंपटीशन आया, वैकेंसी निकली और आपने फॉर्म भराया, सोचे कि फॉर्म भराते ही हमें तो नौकरी लगनी, ऐसा इम्पॉसिबल होता है। सीधा कोचिंग में जाने से और फॉर्म भरने से नौकरी कभी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है हमें तपने से। आपको तपना पड़ेगा, कोचिंग कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं करेगा। कोचिंग का मतलब है सिर्फ आपको गाइडेंस, क्या मिलता है? गाइडेंस मिलता है। दूसरी बात, आपको एक ये रास्ता मिलता है कि अब कौन सा रास्ता चलना चाहिए, और आपकी क्षमताओं का पता चलता है कि आपने इतने साल किया क्या, ठीक है। इसके अलावा कोचिंग में और कुछ नहीं होता। सिलेक्शन होते तो लोग दिखाते हैं कि हमारे 20 सिलेक्शन हो गए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारे पास बच्चे कितने थे? जब तुम्हारे पास 1000 बच्चों का बैंच लग रहा था उसमें 20 का हो गया, तो पीछे 980 का हुआ क्यों नहीं? वो भी आपके पास पढ़े हुए थे। तो किसी के पास पढ़ने से, किसी दूसरे शहर में जाने से हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी हमें खुद को तपने से। और वो तपने का एक सिस्टम होना चाहिए, ये भी नहीं तपने का, ये नहीं कह रहा मैं कि आपको गर्मी में तपना है, ठीक है। तपने का मतलब आपको किताबों से तपना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने ज्ञान के साथ तपना पड़ेगा।
और उस तपने के जरिया है वो आपको कोचिंग सेंटर में मिलता है कि कैसे तपे, ठीक है। कई जगह मैंने मित्रों ने देखा है कि कोचिंग संचालक को यही पता नहीं होता कि कंपटीशन है क्या। एक दिन मुझे खुद को भी पता नहीं था, लेकिन काफी संचालकों को ये पता ही नहीं है कि स्टडी लाइफ है क्या वास्तविक का, और अपने पेट के लिए वो जब इतना कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो आप स्वयं को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना। एक तो आपके अंदर जो ये भावुकता होती है कि वैकेंसी आई है, उस टाइम आपके अंदर एक महीना फोन आपका उबलता हुआ रहता है, आप सभी जानते हो यहाँ आ गई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, अब तो इसी में ही लगेंगे सर। एक महीने तक आपका फोन गर्म रहता है, एक महीने बाद आप थोड़े 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 ठंडे पड़ जाते हैं, एक महीने बाद में फिर आई LDC की, फिर आपका खून गर्म होगा। गर्म खून किस लिए होता है, ₹500 लगते हैं ना फॉर्म भरने के, उस लिए होता है कि ₹500 दिए हैं तो कुछ मैं करूँ। तो अपने आप में या तो आप सब्जेक्ट क्लियर करो, कंपटीशन फाइट कराने का मैं आपको डायरेक्टली तरीका बताता हूँ सीधा सा, जहां तक मुझे मेरे जीवन का एक्सपेरिमेंट जहां मुझे पता है। या तो आप सब्जेक्ट क्लियर करो, आप कोई भी कंपटीशन दो उसमें आज के दौर में 90% ऐसे कंपटीशन जिसमें मैथ और रीजनिंग तो आएगी ही आएगी, ठीक है, मैथ और रीजनिंग आएगी ही आएगी। और रही बात अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो SSCP बैंक की, NDA की, CDS की, अब तो राजस्थान में भी काफी कंपटीशन होने लगे, तो इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो आपको सरकारी के अलावा प्राइवेट में भी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, तो इसलिए किसी से भी डरने से कभी पार नहीं पड़ेगा, किसी से भी कभी डरने से पार नहीं पड़ेगा। और अपने आप को कम मत सोचो कि मेरे परसेंट 10वीं में सर 52 ही थे, मेरे सर 12वीं में 45 ही थे, मैं कैसे नौकरी लगूंगा बताओ, मेरे पड़ोसी के सर 80 थे वो लगा नहीं अभी तक। अरे भाई पड़ोसी के 80 थे तो थे जब थे, आज के दिन में पड़ोसी क्या है वो देखो, आज के दिन में पड़ोसी पढ़ भी नहीं रहा, उस दिन 80 थे तो उसका मतलब क्या निकला। परसेंट कभी नौकरी नहीं दिलाएगा, एक बात का ये ध्यान रखना, अगर किसी के अंदर ये भरम हो, किसी के अंदर ये वेम हो, ठीक है। दूसरी बात कि आपको इतने दिन थोड़ा सा मेरे पे भी संदेह था कि अपनी कोचिंग सेंटर हमने जल्दबाजी में खोली थी और प्रियदर्शनी स्कूल के अंदर अपना चल रहा था इतना दिन भर, ठीक है। तो अब उस टाइम कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये संदेह था कि भाई, और कुछ लोग बाजार में ये अफवाहें भी फैला रहे थे कि स्कूल में खुली है वो कितने दिन चलेगी, ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट था मेरे लिए, लेकिन मेरे पास और जगह नहीं थी, ठीक है, और मुझे खोलनी थी। तो स्कूल से हमने आज बिल्डिंग चेंज करी है, और ये बिल्डिंग आप सभी को कैसी लग रही है, जहां तक मेरा विचार है कि इसमें हम 25 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, उसमें हम 25 बैठ सकते हैं, और ये जो हमारे पास बार बरामदा है इसमें हम कम से कम 40 और 50 के बीच बैठ सकते हैं, यहाँ पे अगर बोर्ड लगाते हैं सामने पेड़ियों पर स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 3 है हमारे पास और वो ऑफिस बना देंगे। अब आपकी नियमित क्लास चलेगी, और सोमवार से साइंस भी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो साइंस की क्लास भी लगाएंगे। आज मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, कुछ लोगों को दो बेंच करूंगा, कुछ को अलग करूंगा, कुछ को अलग करूंगा, ठीक है ना। और रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग